हाय स्टूडेंट, कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे आप लोग, है ना? पढ़ाई पे मन लग रहा है ये आप लोग को धीरे धीरे, ठीक है? और पढ़ाई करते रहिए, है ना? अब आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होंगे, है ना? कई तरह से पढ़ा रहे हैं हम लोग, क्लास में भी पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे लेक्चर हमारे अपलोड हो रही है, साथ ही साथ ऑनलाइन भी हम पढ़ा रहे हैं। तो जिस माध्यम से आप जुड़ पाते हैं, जुड़ जाइए अच्छा से, है ना? और पढ़ाई को जारी रखिए, हर हमेशा पढ़ते रहिए। जहाँ भी दिक्कत होंगे, हम सपोर्ट के लिए हर हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है? अब हमसे बीच-बीच में बात करते रहिएगा, ठीक है? आप डाउट क्लियर करते रहिएगा, मैं सब चीज़ आपको बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिए, है ना? 70 33 45 36 63, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अक्सर मैं कॉल को थोड़ा अटेंड नहीं कर पाता हूँ, पर क्या है, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो रिप्लाई आपको एट दी टाइम मिल जाएंगे। जब मैं फ्री होऊँगा आपको रिप्लाई कर दूँगा, और यदि आप फ़ोन किए और मैंने रिसीव नहीं किया तो कॉल बैक आपका चला जाएगा, है ना? जब मैं फ्री होऊँगा कॉल बैक कर लूँगा मैं, ठीक है? तो घबराना नहीं है, आप अपना संपर्क अच्छा से बनाइए। चलिए, हम लोग रीडिंग कर रहे हैं ना, तो थोड़ा स्पीडली रीडिंग करते हैं। हम लोग रीडिंग जल्दी से सीखने के लिए प्रयास करेंगे, है ना? रीडिंग जब हम लोग सीख लेंगे उसके बाद फिर इसका मीनिंग भी तैयार करेंगे। अब जब मीनिंग तैयार हो जाएंगे उसके बाद हिंदी समझ लेंगे, ठीक है? आज जब हिंदी समझ लेंगे फिर एक क्लास होगी जो कि उसकी सारांश को एक अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे, ठीक है? मीनिंग एक का अलग पार्ट होगा और समझने का अलग पार्ट होगा, फिर उस पर एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो धीरे धीरे करके हमें 12th का आज अच्छे से इंग्लिश तैयार कर लेंगे, है ना? घबराना नहीं है, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। हमारे साथ साथ पीछे पीछे बोलिएगा, ठीक है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। चलिए आगे मैं पढ़ता हूँ, पीछे पीछे बोलिएगा तब सीख पाएंगे, है ना? जब नहीं बोलिएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आप बोलना नहीं सीखेंगे। आपको बोलना ज़रूरी है, और आवाज़ के साथ पढ़िएगा। आवाज़ के साथ पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन आपकी बनी रहेगी, ठीक है? और आपकी जीभ को आदत पड़ जाएगी किसी भी वर्ड को बोलने का, ठीक है? बोलिएगा साथ ही साथ, मोहन दास करम चंद गांधी। इसको पढ़िए, सही से पढ़िएगा। 1869 टू, ये जो है ना हाइफ़न जो लगा हुआ है, हल्का सा लाइन हाइफ़न है ना, इसको उसके बाद पढ़िए। 1948 ब्रैकेट के अंदर में, यहाँ फिर लिखा हुआ कॉमा, पॉपुलरली नॉन एज पापू और द फादर ऑफ द नेशन कॉमा वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन फुल स्टॉप। ही सक्सेसफुल्ली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फुल स्टॉप। फ्रॉम 1915 टिल 1948 कॉमा ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फुल स्टॉप। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फनाटिक फैनाटिक ऑन 30 जनवरी 1948 फुल स्टॉप। हिज ऑटोबायोग्राफी कॉमा माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ कॉमा एंड द न्यूमरियस आर्टिकल्स डैट ही रोड फॉर यंग इंडिया एंड दी
स्पीचेस डैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेशंस कॉमा रेवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट कॉमा आइडियोमेटिक इंग्लिश फुल स्टॉप। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कॉमा, थोड़ा ऊपर सरका देते हैं है ना, चलिए पढ़िए। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन विच हैज सक्सेसफुली विच हस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम फुल स्टॉप। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैच्योरिटी मटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मॉरल बीइंग फुल स्टॉप। चलिए यहाँ तक पढ़ लिया, अब चैप्टर के मेन टॉपिक पे आ रहे हैं है ना। पढ़िए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड फुल स्टॉप। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स फुल स्टॉप। रोम वेंट कॉमा ग्रीस शेयर्ड द, चलिए सरकाते हैं अब यहाँ से पढ़ते हैं ठीक है। सेम फैट कॉमा द माइट ऑफ द, देखिए क्या लिखा है, फराहोस फराहोस वाज ब्रोकन कॉमा जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड सेमीकोलन ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड कॉमा बट इंडिया इज स्टिल कॉमा। समहाउ और अदर कॉमा साउंड एट द फाउंडेशन फुल स्टॉप। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी फुल स्टॉप। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम कॉमा द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम फुल स्टॉप। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन फुल स्टॉप। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस कॉमा इंडिया रिमेंस इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी फुल स्टॉप। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड कॉमा इग्नोरेंट एंड अस्टोलिड कॉमा दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज फुल स्टॉप। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मैरिट फुल स्टॉप। वॉट वी हैव
टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस कमा वे देयर नॉट चेंज फुल स्टॉप मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया कमा एंड सी रिमेंस स्टेडी फुल स्टॉप दिस इज हर ब्यूटी सेमीकोलन इट इज द सेट एंकर ऑफ आवर होप फुल स्टॉप सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी फुल स्टॉप परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स फुल स्टॉप टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस फुल स्टॉप सो डूइंग कॉमा वी नो आवर सेल्व फुल स्टॉप द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट फुल स्टॉप इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट कॉमा देन इंडिया कॉमा एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन कॉमा हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स कॉमा एंड दिस इज एज इट शुड बी फुल स्टॉप वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड कॉमा द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स कॉमा एंड स्टिल रिमेंस अनसेटिस्फाइड फुल स्टॉप द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस कॉमा द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम फुल स्टॉप आवर एंसेस्टर्स कॉमा देयरफॉर कॉमा सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस कॉमा फुल स्टॉप दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन फुल स्टॉप अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच कॉमा और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर फुल स्टॉप द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी कॉमा द पुअर टू बी हैप्पी फुल स्टॉप मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर फुल स्टॉप ऑब्जर्विंग ऑल दिस कॉमा आवर एंसेस्टर्स dissuaded us from luxuries and pleasures full stop we have managed with the same kind of bluff it existed thousands of years ago full stop we have returned the same kind of cottages that we had in former time and our indigenous education remains the same as before full stop we have had no system of life corroding competition full stop each followed his own occupation or trade and charged a regular wage full stop it was not that we did not know how to invent machinery comma but our forefathers knew that comma if we set our hearts after such things comma we would become slaves and lose our moral fibers
फुल स्टॉप, दे कॉमा देयर फॉर कॉमा आफ्टर ड्यू डिलीबरेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू वाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट फुल स्टॉप, दे सो दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट फुल स्टॉप, दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वेयर ए स्नेयर एंड ए यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम कॉमा दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लरिशिंग फ्लरिशिंग इन देम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन फुल स्टॉप, दे वेयर देयर फोर कॉमा सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस फुल स्टॉप, दे सो डैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेयर इन्फेरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स कॉमा एंड दे कॉमा देयर फोर कॉमा हेल्ड द सॉवरेंस ऑफ द अर्थ टू बी इन्फेरियर टू द रिसेज एंड द फकीर्स फुल स्टॉप, अ नेशन कॉमा विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस कॉमा इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स फुल स्टॉप, दिस नेशन हैड कोर्ट्स कॉमा लॉयर्स एंड डॉक्टर्स बट दे वेयर ऑल विद इन बाउंड्स फुल स्टॉप, एवरीबॉडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर फुल स्टॉप, मोरओवर कॉमा दीज वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रोब पीपल सेमीकोलन, दे वेयर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट्स कॉमा नॉट देयर मास्टर्स फुल स्टॉप, जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर फुल स्टॉप, द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स फुल स्टॉप, देयर वेयर नो टॉर्च्स टू लेयर पीपुल इन टू देम फुल स्टॉप, दिस एविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स फुल स्टॉप, द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन फुल स्टॉप, दे एंजॉयड थ्रू होम रूल फुल स्टॉप, द इंडियन सिविलाइजेशन कॉमा इज डिस्क्राइब्ड बाय मी कॉमा हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वॉटरीज फुल स्टॉप, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कॉमा एंड अंडर नो सिविलाइजेशन कॉमा have all men attained perfection full stop, the tendency of Indian civilizations
इज टू एलिवेट द मॉरल बींग दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी फुल स्टॉप द लेटर इज गॉडलेस सेमीकोलन द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन ए बिलीव इन गॉड फुल स्टॉप सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग कॉमा इट बिहाव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट फुल स्टॉप आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट फुल स्टॉप आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी अ थिंग आई हैव लर्न्ड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर फुल स्टॉप बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट कॉमा आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रेंकली दैट कॉमा आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन कॉमा आई हैव लर्न्ड वन लेसन फ्रॉम इट एंड दैट इज दैट वी मस्ट शन इट एट ऑल कॉस्ट फुल स्टॉप व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन क्वेश्चन मार्क इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल कॉमा इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस इट इज अन एडल्टरेटेड मैटेरियलिज्म कॉमा एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रायंफ ऑफ मैटेरियल सिविलाइजेशन फुल स्टॉप इट इज परहैप्स अननेसेसरी कॉमा इफ नॉट यूजलेस कॉमा टू वेट द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशन फुल स्टॉप इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व अ सिविलाइजेशन सूटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स कॉमा एंड सिमिलरली कॉमा वी हैव ए सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशंस कॉमा एंड बोथ आर गुड इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स फुल स्टॉप द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. Full stop. The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon comma and a strict regulating of comma these wants. Full stop. The modern or वेस्टर्न इनसेटिएबलनेस अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर
also in divinity full stop. The restaurant of ancient or eastern civilization arises from a belief, comma, often in spite of ourselves, comma, in a future state and the existence of a divine power, full stop. Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist, full stop. But I have no manner of doubt that the victory of man lies in that resistance, full stop. We are in danger of watering away the permanent good for a momentary pleasure, full stop. Just as in the West they have made wonderful discoveries in things material, comma, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, comma, of the spirit, comma, of the soul, full stop. But we have no eye for these great and fine discoveries, full stop. We are dazzled by the material progress that Western science has made, full stop. I am not enamored of that progress, full stop. In fact, comma, it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines, comma, so that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism, full stop. After all, comma, there is something in Hinduism that has kept it alive up till now, full stop. It has witnessed the fall of Babylonian, comma, Syrian, comma, Persian and Egyptian civilizations, full stop. Cast a look around you, full stop. Where is Rome and where is Greece, question mark. Can you find today anywhere the Italy of Gibbon or rather the ancient Rome, comma, for Rome was Italy, question mark. Go to Greece, full stop. Where is the world famous Attic civilization, question mark. Then coming to India, comma, let one go through the most ancient records and then look around you and you would be constrained to say, comma, as I see here ancient India still living, full stop. True, there were dung heaps to here and there, comma, but there are rich treasures buried under them, full stop. And the region
why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines. Please, our civilization, comma, our culture, comma, our Swaraj depend not upon multiplying our wants, self-indulgence, comma, but upon restricting wants, self-denial. Please stop. European civilization is, comma, no doubt, comma, suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. Full stop. This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good. And capable of assimilation by us, comma, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. Full stop. The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook, full comma, if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. Please stop. It may be that my reading is wrong, comma, but I know that for India to run after the golden fleece is to court certain death. Please stop. Let us engrave on our hearts the motto of a Western philosopher: plain living and high thinking. Today it is certain that the millions cannot have high living, and we, the few, comma, who profess to do the thinking for the masses, comma, run the risk, comma, in a vain search after high living, comma, of missing high thinking. Full stop. Civilization, comma, in the real sense of the term, comma, consists not in the multiplication, comma, but in the deliberate and voluntary restriction of wants. Full stop. This alone increases and promotes contentment, comma, real happiness and capacity for service. Full stop. A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes a hindrance instead of help. Full stop.
therefore the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare. Full stop. The satisfaction of one's physical needs, comma, even the intellectual needs of one's narrow self, comma, must meet at a certain point or dead stop, comma, before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness. Full stop. A man must arrange his physical and cultural circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity, on which all his energies should be concentrated. Please stop. चलिए, चैप्टर की रीडिंग तो ख़त्म हो जा रही है ना। आगे मैं इसका वर्ड मीनिंग के साथ हिंदी समझेंगे, है ना। तब तक के लिए आपको थैंक यू, है ना। हमसे यदि बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।